हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू और पनीर से एकदम यम्मी बोंडे, जो खाने में एकदम टेस्टी लगते हैं। चलो शुरू करते हैं। उसके लिए लिए मैंने चार आलू, इन्हें मैं हाथों से इस तरह से फोड़ लूँगी। इस तरह से मैंने अपने सारे आलू को फोड़ लिया है। अब मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। इसमें डालूँगी मैं सबसे पहले जीरा, फिर इसमें डालूंगी हरी मिर्च, इसमें डाली मैंने प्याज। इन्हें हम अच्छी तरह से थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें करना है इन्हें। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये मटर, इन्हें भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक के लिए पकानी है। इस तरह से इन्हें चलाते हुए पकाएं, थोड़ा सा ढक दें इन्हें 2 मिनट के लिए। फिर इन्हें एक बीच में फिर और चला लें। इस तरह से ये हमारी मटर अब थोड़ा गल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये उबले हुए आलू। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब हम इसे चटपटे बनाने के लिए इसमें डालेंगे मसाले। इसमें डाला मैंने जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच डाला मैंने धनिया पाउडर, ये मैंने डाला चाट मसाला, 1/2 चम्मच के करीब डाले मिर्ची पाउडर, अभी मैं डालूंगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालूंगी हरा धनिया। अब इन्हें हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देंगे, अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करते हुए पकाएंगे। अभी हमारे पूरी तरह से जो हम बोंडे बनाएंगे उसके लिए पिट्ठी तैयार हो चुकी है। अब उससे पहले हम थोड़ा पनीर जो हम भरेंगे इसके अंदर फिलिंग में, इसमें डाले मैंने चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा मिर्ची और हल्का सा नमक, इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमने दोनों चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। अब हमने जो ये पिट्ठी बना के रखी हुई है, इसमें से इस तरह से थोड़ा सा लेंगे अपने हाथों पे रखते हुए इस पिट्ठी को इस तरह से। अब इसके बीच में जो हमने पनीर में मसाला डाला हुआ है इस तरह से अंदर भरते हुए इसे हाथों से बिल्कुल गोल कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा बन गया इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे को भी बनाएंगे। इसमें पनीर की फिलिंग भर दें। ये दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब बनाएंगे हम बेसन का घोल। 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, इसमें डाला थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। इसे हम अच्छी तरह से फेंट कर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। गाढ़ा लग रहा था मेरे को, पानी डालकर इसे इस तरह से पेस्ट बना लें। फिर मैंने यहाँ कढ़ाई गरम करके रखी है, इसमें ऑयल हमें ज़्यादा ही रखना है। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। अब इसे बोंडे को इसमें बेसन में डिप करके इस तरह से चम्मच की सहायता से इसमें डालेंगे इस तरह से। फिर इसी तरह से हम दूसरा भी डालें। इस तरह से दोस्तों मैंने अपना तीसरा भी डाल दिया है। अब मुझे इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक मैं इन्हें सेकूंगी। अब ये मेरा एक ब्राउन हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। इन्हें भी पलटते हुए सेकूंगी, ये भी हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं दोस्तों अपने सारे निकाल लूँगी। देखो दोस्तों कितने अच्छे यम्मी बोंडे बनकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।